हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ ट्यूटर। मैथ्स के सारे प्रॉब्लम को हम इस चैनल पर सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 8 एलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सप्लेन करूंगी। मैं आरएस अग्रवाल की बुक को फॉलो कर रही हूं। चलिए थोड़े बेसिक से स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं बोर्ड पे लिखना स्टार्ट कर रही हूँ। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होता क्या है, ठीक है? ये बेसिकली तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। नंबर वन, कांस्टेंट। नंबर टू, वेरिएबल। और नंबर थ्री, ऑपरेशंस। तो ये क्या होता है? बेसिकली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, कांस्टेंट, नंबर टू वेरिएबल और इंटीग्रल्स, नंबर थ्री ऑपरेशंस, ठीक है? चलिए बताती हूँ एक एक करके आपको क्या होता है। ये कांस्टेंट, ठीक है, डेफिनेशन राइट कर रही हूँ मैं आपके लिए। सिंबल्स having a fixed numerical value, ठीक है? A symbol having a fixed numerical value, वो symbols जिसकी numerical value fixed होती है उसको हम क्या कहते हैं? Constant, ठीक। चलिए सेकंड, वेरिएबल्स और इंटीग्रल्स, ये क्या होते हैं? सिंबल्स विच टेक्स ऑन वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है? ए सिंबल विच टेक ऑन वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू। तो कांस्टेंट क्या थे हमारे? जिसकी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू थी। और वेरिएबल्स और लिटरल्स क्या है हमारे? जिसकी क्या है? वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू। कांस्टेंट की फिक्स थी, इसकी कुछ भी चेंज हो सकती है, टू थ्री फोर फाइव सिक्स, लेकिन उसकी क्या है? फिक्स। कांस्टेंट वर्ड से ही पता चल रहा है, कांस्टेंट मतलब जो चीज़ चेंज नहीं हो तो वो फिक्स है, ठीक। नंबर थ्री, ऑपरेशंस, ठीक है? ऑपरेशंस बिल्कुल सिंपल से सिंपल है। क्या होता है ऑपरेशंस में? किसी भी चीज़ में हम प्लस माइनस, मैथ्स करने के लिए हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन सब यूज़ करते हैं। तो जो एक्शन हमारा परफॉर्म होता है विद दीज सिंबल्स, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारे क्या होते हैं? हमारे ऑपरेशंस, ठीक है? आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है? बेसिकली क्या होता है? तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। नंबर वन कॉन्स्टेंट, नंबर टू वेरिएबल और लिटरल्स, नंबर थ्री ऑपरेशन। कॉन्स्टेंट्स वो होते हैं जिसके सिंबल्स फिक्स, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सॉरी फिक्स्ड होती है, ठीक है? जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता है। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू वेरियस, कई नंबर्स जिसके चेंज होते हैं, अलग अलग होती है, वो होते हैं हमारे सॉरी वेरिएबल्स, ठीक है? नंबर थ्री ऑपरेशंस, ऑपरेशन वही जिसके थ्रू हमारा परफॉर्म होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, ठीक है? ये इस चैप्टर के कुछ बेसिक थी जो मैंने आपको बता दी हैं, समझा दी हैं, वो आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं सीधे एक्सरसाइज ले रही हूँ, चैप्टर 8 ए आर एस अग्रवाल। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8 ए, इसका फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है x इंक्रीज्ड बाय 12। जो x है हमारा वो 12 से
बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ इंक्रीज हो रही है तो बढ़ रही है, बढ़ रही है तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो साइन समझ लीजिए, बढ़ रहा है तो प्लस का साइन आने वाला है इसमें, ठीक है। अब एक्स है जो 12 से इंक्रीज हो रहा है, बस इस आंसर में हमें इतना ही करना है, एक्स इंक्रीज बाई 12 आंसर हो गया, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा है, वाई डिक्रीज बाई 7, वाई जो है डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज था, प्लस का साइन आ रहा था उसमें, डिक्रीज है, सिंपल सी बात है क्या आएगा, माइनस का साइन, और कौन वाई डिक्रीज हो रहा है 7, ठीक है, किससे 7 से, क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं, द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी व्हेन ए इज ग्रेटर देन बी, उसने आपसे डिफरेंस पूछा है ए और बी के बीच का, जिसमें ए ग्रेटर है बी से, डिफरेंस है, माइनस का साइन आ गया, ए इज ग्रेटर देन बी, बस आंसर, ए इज ग्रेटर देन बी, डिफरेंस पूछा है तो माइनस का साइन आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई एडेड टू देयर सम, ठीक है, उसने आपसे पूछा है कि एक्स एंड वाई का प्रोडक्ट क्या है, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी, तो पहले उसने जब हमसे पूछा है प्रोडक्ट, तो पहले हम प्रोडक्ट लिखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इज, प्रोडक्ट पूछ रहा है एक्स वाई का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई मीन्स एक्स वाई हम लिखते हैं उसको, ठीक है। फिर उसने क्या पूछा, एडेड, एड मतलब सम हो गया, तो द सम ऑफ एक्स एंड वाई इज एक्स प्लस वाई, ठीक, सम पूछा तो क्या हो गया, एड हो गया एक्स प्लस वाई, प्रोडक्ट पूछा था तो क्या हुआ है एक्स वाई, ठीक। अब पूछा उसने, सो ठीक, सो प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई एडेड टू देयर सम, ये क्वेश्चन आपका था, प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई एडेड टू देयर सम, ठीक। तो हम इसको कुछ नहीं, सिंपल एक्स वाई हमने ये उठा लिया अपना, ऐड करना है, प्लस का साइन लगा दिया, और इसको क्या हुआ था, सम ऑफ एक्स एंड वाई क्या आया था, एक्स प्लस वाई, बस ब्रैकेट में हमने लिख दिया एक्स प्लस वाई, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन लिख दिया है मैंने, क्वेश्चन नंबर 1 का 5, क्वेश्चन 1/3 ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ ए एंड बी, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। तो उसने क्या कहा है आपसे, 1/3 ऑफ एक्स, 1/3 ऑफ एक्स, अब 1/3 क्वेश्चन की बात कर रहा है वो, तो क्या हो जाएगा वो एक्स अपॉन 3, ठीक है, 1/3 पोर्शन की बात की तो क्या हो गया एक्स अपॉन 3, एक्स के पोर्शन की बात कर रहे हैं तो एक्स अपॉन 3, ठीक है। अब द सम ऑफ ए एंड बी इज ए प्लस बी, सम क्या है, सम पूछा उसने ए और बी का, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक। अब चलिए क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ ए एंड बी, ठीक है, 1/3 ऑफ एक्स मतलब इस एक्स का 1/3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए एंड बी से, तो एक्स अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय ए
प्लस बी। ये बात आपको समझ में आ गई है। चलिए अब उसने क्या है, अब x की मल्टीप्लाई हम किसे कर देंगे, a प्लस बी से, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर a प्लस बी, थर्ड है थ्री नीचे आ जाएगा ऐसे ही अपॉन थ्री। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर आ गया, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, उसने पूछा था क्वेश्चन में आपसे वन थर्ड ऑफ द एक्स मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ ए एंड बी, तो एक्स का वन थर्ड पूछा उसने, तो एक्स अपॉन थ्री हो जाएगा। ठीक है, फिर उसने क्या पूछा, सम ऑफ ए एंड बी, तो सम ऑफ ए एंड बी ए प्लस बी, फिर क्या हुआ वन थर्ड ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ ए एंड बी, तो जो हमारा एक्स अपॉन थ्री था उसकी मल्टीप्लाई किससे हो गई, ए एंड बी से हमने मल्टीप्लाई कर दी, एक्स होल एक्स ब्रैकेट ए प्लस बी अपॉन थ्री आंसर आ गया। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इस चैप्टर के आपने क्वेश्चन नंबर वन का 1, 2, 3, 4, 5 सब सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको और कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, मैं ऐसे वीडियोज़ को लेके आती रहूँगी। बाय बाय।